अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ट्रेंडिंग 2 मिनट्स में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे गुज़श्ता रात इकरारुल हसन पर होने वाले हमले पर। हम जानेंगे कि उन पर हमला किसने किया, क्यों किया और दीगर मुहर्रिकात पर नज़र डालेंगे। ये सब जानने के लिए आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें। वीडियो के आखिर में हम आपको वो वीडियो भी दिखाएँगे जिसमें इकरारुल हसन सारा वाक़या बताते हैं। सरेआम की टीम को शिकायत मौसूल हुई कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए रिश्वत लेते हैं, तो उन्होंने गुज़श्ता शब आईबी ऑफिस पर छापा मारा और स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। लेकिन बदकिस्मती से आईबी ऑफिस के आला हुकाम समेत तमाम लोगों ने उन पर धावा बोल दिया। वफाकी हुकूमत ने आईबी के 5 आला अफसरान को मुअत्तल करके कर दिया, जो कि खुशाइंद है। एक अफसर थे, एक इंस्पेक्टर थे काशिफ साहब, वो रिश्वत दे रहे थे एक पासपोर्ट इंक्वायरी जो कि उनको सौंपी गई। 3 मरतबा उन्होंने, 2 मरतबा रिश्वत ली, 3री मरतबा रिश्वत देते हुए, और वो रिश्वत ले भी रहे थे आईबी के ऑफिस के बिल्कुल गेट के बाहर खड़े हुए। तो जब हमने उनको रिश्वत दी, हमारे नुमाइंदे ने, और रिकॉर्ड पे हर एक चीज़ टेलीविज़न पर आप देखेंगे भी और आइंदा प्रोग्राम में भी, रिश्वत दे के फ़ौरन हम पहुँचे। और हमारा ख्याल ये था कि हम इनको इनके अफसर के पास लेके जाएँ और हम उनको वीडियो सबूत दिखाएँ और उनसे कहें कि देखें काली भीड़ है आईबी के अंदर और इससे इदारे का वखार बजरू हो रहा। लेकिन बजाय इसके कि शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती, आईबी के जो डायरेक्टर थे रिजवान शाह साहब, वो अपनी पूरी टीम के साथ हम पे टूट पड़े और टूटे भी ऐसा कि मेरे बहुत सारे टांके सर पे लगे हैं, बाकायदा पिस्टल के बट खुद रिजवान शाह साहब ने मारे। जो शख्स रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व था, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो शख्स हमें उनको बता रहा था कि ये भी है, इसने वीडियो बनाई थी, इसको मारे। वो शख्स बाहर जाके हमारे ड्राइवर्स को भी बुला के अंदर ले आया कि अंदर सारे मामला ठीक हो गए, आप भी अंदर आ जाए। तो वो शख्स लीड कर रहा था इस सारी मार कुटाई को। और इसका सबसे अजियतनाक पहलू ये था कि शायद किसी दुश्मन मुल्क की भी कोई एजेंसी या इदारा होता, वो इस तरह से ट्रीट नहीं करता कि हमें बाकायदा वहाँ मार मार के मेरा ये जो शोल्डर है डिसलोकेट हो गया है। ये वीडियोस अपनी फैमिली तक शेयर करें। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छी नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। हमसे जुड़े रहने के लिए बटन इस्तेमाल करें। वज़ारत चैनल मुख्तसर डिस्कवरी।